फ्रेंड्स, स्विगी करेक्ट फॉर्म आज आपको भरना सिखाएंगे। जब आईडी हमारी टेम्पररी डीएक्टिवेट होती है तो किस तरह से फिलअप किया जाता है फॉर्म, आप पूरी तरह से इस वीडियो में देखोगे। आपको सबसे पहले स्विगी करेक्ट फॉर्म का बंदोबस्त करना होगा। यह फॉर्म आपको आपके किसी फ्रेंड से लेना होगा, या आपका जो टीएल है या टीम मैनेजर है जो आपके सिटी में वर्क करते हैं उनसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को लेने के बाद आपको सिंपली इस तरफ जाना है। अगर आपका ईमेल अकाउंट यहाँ पर नहीं बता रहा है तो आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक करके वहाँ से आपके अकाउंट पर क्लिक कराऊंगा। जैसा देख रहा हूँ मैं आपको, स्विच अकाउंट पर मैंने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ईमेल एड्रेस है, तो जो मेरा है मैं उसे चूज़ करता हूँ। ये मैंने मेरा ईमेल एड्रेस जो है चूज़ किया, यहाँ पर आ गया मेरा ईमेल एड्रेस। इसके बाद फ्रेंड्स, आप शहर चुनोगे जो आपका शहर है। मेरा शहर है अकोला, ये मैंने चूज़ कर लिया। इसके बाद एंटर योर DEID, आप यहाँ पर आपकी DEID भरोगे। फ्रेंड्स, अपनी आईडी जो है किसी को नहीं देना होती है, ये मेरी DEID है। देन कृपया अपना फ़ोन नंबर दर्ज करें। DEID डालने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर दर्ज करोगे। यहाँ पे लिखने के बाद आप अपना नाम यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट पर जाओगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद फ्रेंड्स, अगला पेज ओपन होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर प्लीज चूज योर एरिया ऑफ कंसर्न, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको चूज करना है यहाँ पर। तो हमारी आईडी जो है टेम्पररी डीएक्टिवेट है, तो अनेबल टू लॉग इन यहाँ पर ये हमें चूज़ करना है फ्रेंड्स। और आपको देखिए ये बराबर ही चूज़ करना होता है ताकि सामने वाला जो कस्टमर केयर वाला है वो हमारी प्रॉब्लम को समझे। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आता है व्हाट इज़ द इशू व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग DEID। जब आप DEID दर्ज कराने पर लॉग इन करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, तो नॉट रिसीविंग OTP, ऐप शो दिस अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक, कैन नॉट फाइंड प्रॉब्लम, समस्या का पता नहीं लगा अदर। तो फ्रेंड्स, टेम्पररी डीएक्टिवेट है हमारी आईडी, तो हम इसे चूज करते हैं सेकंड ऑप्शन को। इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप यहाँ पे ऐड फाइल पर क्लिक करोगे। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पर फाइल्स में जाना है। यहाँ पर भी आपका स्क्रीनशॉट सेव है फ्रेंड्स, आपको वो लेना है। देखिए ये मेरा स्क्रीनशॉट है, ये मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद इस पर सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ये अपना फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है फ्रेंड्स। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद 48 आवर के अंदर आपका जो वर्किंग डेज होते हैं फ्रेंड्स, हर दिन 8 घंटे पकड़ा जाता है, तो 48 आवर्स में आपको कॉल आएगा। फिर भी मेरी सलाह है कि आप 3 में 3 से 4 बार ये फॉर्म ज़रूर भरें ताकि रिस्पांस जल्दी मिले। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको कंपनी की ओर से कॉल आने के बाद आप पूरी समस्या उन्हें समझा दीजिए आपकी आईडी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो आपकी आईडी शुरू होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।